अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। कई बार हम ये सोचते हैं, जैसे इन्होंने बताया वीडियो के अंदर, कि भाई बहुत सारे लोग आज इंडिया के अंदर फेसबुक में और गूगल में जॉब करने के लिए तो सोच रहे, लेकिन कभी उसका वैसा बनाने के लिए नहीं सोच रहे कि वैसा हमें बनाना। और वैसा बनाने के लिए हमें अपने चीजों को बदलना पड़ेगा। तो हमारी पुअर मेंटालिटी कहीं ना कहीं हमें बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए रोक रही है। दूसरी चीज जैसे बताए कि हमारे अंदर उस विजन को पूरा करने के लिए बर्निंग डिजायर भी होना चाहिए। एक बार दो बार आप अगर फेल हो जाते हैं किसी चीज को करने के लिए तो छोड़िए मत, क्योंकि आपको एक बार में ही सारी चीजें मिल जाएगी, वह जरूरी नहीं है। तो हमें कंटिन्यूसली उसको ट्राई करते रहना पड़ेगा तब तक जब तक हम उस चीज को ना पा ले। तीसरी चीज उन्होंने बताया कि हम सोचते नहीं, ज्यादातर हम कॉपी कर लेते इजी तरीका, ऐसा वो कर रहा है हम ऐसा कर लेते, हम शॉर्टकट ढूंढने में लगे रहते हैं, हम सोचते नहीं है कि कुछ नया बनाया जाए, कुछ नया किया जाए, कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए, कुछ नई चीज ट्राई की जाए। तो हम सोचते नहीं, हम इजी तरीका अपना लेते हैं कॉपी करने का। चौथा कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे हमारी सोच बन जाती है। कहते हैं कि आपके 5 दोस्तों को देखकर आपका भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप किसके साथ में बैठ रहे, क्योंकि हमारी सोच भी वैसी होगी। तो आज के टाइम पे हमें हमारा एसोसिएशन का भी ध्यान रखना जरूरी है। हम किसके साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ हम ज्यादा टाइम बिताते हैं, हमारी धीरे धीरे सोच वैसे ही बनती जाती है। तो हमें हमारा एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा बेनिफिट और लॉस हो सकता है। एंड पांचवा, वी डोंट इनोवेट, कि हम इनोवेट नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे कि नई चीज किया जाए कुछ जो अभी तक किसी ने नहीं किया। और ये सारे कारण आज हमें बिजनेस के अंदर लीड करने से रोक रहे। आप देखिए तो आज धीरे धीरे जब से ये एंटरप्रेन्योर का ट्रेंड आया हुआ है, आज बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बाहर आई है। आज इंडिया में जैसे ओयो है, इसने आज पूरी दुनिया के अंदर सेकंड नंबर की कंपनी बना ली है होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रीज के अंदर, और लगभग अरबों 100 करोड़ या सॉरी 1,00,000 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन उन्होंने अपने बना ली है। ओला है, उबर है, राइट, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील, ये सब लोग आज बिजनेस को बहुत फास्टली ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इनोवेट कुछ ऐसा किया जो अभी तक नहीं था। और जनरली हम एक चीज और भी देखते हैं, जब हम बिजनेसमैन को मिलते हैं तो बोलते हैं मेरे पास पैसा होगा ना तो मैं सब कर दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि आपको पैसा लेना नहीं आता है, वो नॉलेज नहीं है आपके पास। मार्केट में तो आपके लिए पैसा लोग लेकर बैठे हुए, आपको पता होना चाहिए उनसे पैसा कैसे लेना है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए। छठवा, वी डोंट आस्क क्वेश्चंस, हम सवाल नहीं पूछते। जैसे कि हम सबको पता होता है हमारे बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए किसी से पूछते नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हम एडजस्ट कर लेते हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दो, और या तो हम किसी से वो चीजों के बारे में सोल्यूशन मांगने से घबराते या शर्माते हैं कि मैं ऐसा बोलूंगा तो मुझे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो हमें सोचना ये चाहिए कि मुझे उस बिजनेस का सोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम उसके लिए सवाल पूछें कि भाई, और सबसे बड़ी चीज, आपके हर बिजनेस का सोल्यूशन, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, लेकिन आपको वो सही बंदे तक पहुंचना पड़ेगा जिसके पास वो सोल्यूशन है। आप जिस इंडस्ट्री में है, आप देख लीजिए कि आपके जैसे और भी लोग उस इंडस्ट्री में होंगे जो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, क्या हम कभी उनसे बात करते हैं कि भाई मेरे बिजनेस में ये चैलेंज आ रहा है, उनको मैं कैसे सॉल्व करूं, और मेरे हिसाब से उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो ये वो 6 कारण हमने देखे जिससे आज इंडिया के अंदर जितने बिजनेसमैन है वो लीड नहीं कर पा रहे, बिजनेस को चला तो रहे पर लीड नहीं कर पा रहे। तो लीड करने के लिए हमें कुछ चीजें अपनी बदलनी बहुत जरूरी है, जो हमें एज अ लीडर, ग्रेट लीडर में बनाने में हेल्प करे।